डॉक्टर साधना सिंह, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाद्वारा। कल हमने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में नेफ्थलीन के सिंथेसिस, नेफ्थलीन की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम नेफ्थलीन का सिंथेसिस बनाने की विधियां देखेंगे। सबसे पहले नेफ्थलीन प्राप्त होता है कोल्टार और पेट्रोलियम से भी। कोल्टार में कि मध्य आसवन में कुछ मात्रा में नेफ्थलीन रहता है, जिसको कि गर्म पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और NH के साथ में वॉश करके अशुद्धियों को दूर कर नेफ्थलीन प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम के भी आसूत को 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर नेफ्थलीन और मिथाइल नेफ्थलीन प्राप्त होते हैं। मिथाइल नेफ्थलीन का भी मिथिलीकरण करने पर नेफ्थलीन प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में कोल्टार और पेट्रोलियम से SH नेफ्थलीन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बनाने की जो विधियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले ये 4-फिनाइल-बुटीन को तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन के अणुओं का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है और हमको नेफ्थलीन प्राप्त होता है। दूसरी विधि में 4-फिनाइल-बुटीन-ऑइक एसिड 4-फिनाइल-3-बुटेनॉइक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर जल का निष्कासन होता है, वलय बनती है और बनने वाला कंपाउंड जो है वो अल्फा नेफ्थॉल है। ये दोनों अल्फा नेफ्थॉल की समावेशी संरचना है। इसको अल्फा नेफ्थॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करने पर नेफ्थलीन प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। दूसरा मेथड है इसका, इसको बियर एंड परकिन सिंथेसिस कहते हैं। इसमें 1,2-डाइब्रोमोमिथाइल-बेंजीन को सक्सिनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट के साथ में अभिक्रिया कराने पर NaBr के दोनों का निष्कासन होता है और ये चक्रीय एस्टर प्राप्त होता है। इस टेट्रा एस्टर का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और हमको टेट्रा कार्बोक्सिल कंपाउंड मिलता है। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर CO2 का निष्कासन होता है और टेट्रा हाइड्रोनेफ्थलीन बनती है, जिसको पैलेडियम एंड कार्बन पर प्रभावित करने पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 अणुओं का निष्कासन होता है और नेफ्थलीन प्राप्त होता है। एक और विधि है जिसको हम हावर्ट सिंथेसिस कहते हैं। इसमें बेंजीन की अभिक्रिया सक्सिनिक अनहाइड्रेट के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर हमको यह कीटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वी गेट दिस, हमको कीटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस कीटोनिक अम्ल का HCl के साथ में जिंक और मरकरी के उपस्थिति में अपचयन करने पर, जो कि क्लेमेंशन अपचयन कहलाता है, CO ग्रुप CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको 4-फिनाइल-बुटेनॉइक एसिड कहते हैं। ये 4-फिनाइल-बुटेनॉइक एसिड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराने पर जल का निष्कासन होता है और अल्फा टेट्रालोन बनता है। इस अल्फा टेट्रालोन को जिंक और मरकरी की उपस्थिति में HCl के साथ अपचयन यानी क्लेमेंशन अपचयन कराने पर CO ग्रुप CH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन बनती है। इस टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन को पैलेडियम और कार्बन के ऊपर से प्रवाहित करने पर H2 का निष्कासन होता है और नेफ्थलीन प्राप्त होता है। लास्ट सिंथेसिस है इसका ब्रिज सिंथेसिस, ब्रिज संश्लेषण, जिसमें अल्फा टेट्रालोन, जो कि कीटो इनोल टोटोमराइजेशन के कारण इनोलिक फॉर्म में आ सकता है। इनोलिक फॉर्म में इसका आइसोमर है, ये 1-2, ये 3-4 आइसोमर है। अल्फा टेट्रालोन को NaOH और KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर OH की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रोटॉन का निष्कासन होगा
और फिर उसमें से OH ग्रुप का निष्कासन होगा, यानी जल का निष्कासन होगा और हमको नेफ्थलीन प्राप्त होती है। ये है नेफ्थलीन के सिंथेसिस संश्लेषण, नेफ्थलीन की बनाने की विधियां हैं। अब आता है नेफ्थलीन की प्रॉपर्टी या नेफ्थलीन के गुण। उसकी भौतिक गुण इस प्रकार है, हम जानते हैं, हमने सबने घरों में देखा है नेफ्थलीन सफ़ेद रंग का क्रिस्टल बॉल्स होती हैं जिनका गलनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो गर्म करने पर आसानी से उद्वपादित हो जाती हैं। ये जल के अंदर अघुलनशील है लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट विलायकों में जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील है। रासायनिक गुण, नेफ्थलीन क्योंकि इसमें बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, साथ ही ये योगात्मक अभिक्रियाएं और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं भी देता है। नेफ्थलीन की योगात्मक अभिक्रियाएं चार प्रकार की हैं, हाइड्रोजन के साथ में योगात्मक अभिक्रिया जो अपचयन कहलाती हैं, हैलोजन के साथ में, सोडियम के साथ और ओजोन के साथ। हाइड्रोजन के साथ में यानी कि नेफ्थलीन की अपचयन की अभिक्रिया इस प्रकार है, नेफ्थलीन को अगर हाइड्रोजन के साथ सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ में 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो ये 1,4-diylene या 1,2-diylene बनता है। इसका एक दीवन जो है वो अपचयित हो जाता है और ये 1,4-diylene या 1,2-diylene देता है। अगर इसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया सोडियम और आइसोअमाइल अल्कोहल के साथ में की जाए तो इसके दो बंध जो है वो अपचयित हो जाते हैं और ये टेट्रालीन देता है। अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाए तो ये पहले टेट्रालीन देगा और इस टेट्रालीन की फिर से हाइड्रोजन के तीन अणुओं के साथ में निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभिक्रिया की जाए तो ये डेकालीन देता है, यानी कि ये पूरी तरह से संतृप्त पदार्थ बन जाता है। हैलोजन के साथ में इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, नेफ्थलीन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके नेफ्थलीन डाइक्लोराइड बनाता है, योगात्मक कंपाउंड नेफ्थलीन डाइक्लोराइड बनाता है। ये नेफ्थलीन डाइक्लोराइड एक और क्लोरीन के अणु के साथ अभिक्रिया करके नेफ्थलीन टेट्राक्लोराइड भी बनाता है। इस नेफ्थलीन डाइक्लोराइड और नेफ्थलीन टेट्राक्लोराइड का अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो जिस पर क्लोरीन समूह उपस्थित है वो वलय जो है वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है और हमको थैलिक एसिड मिलता है। इसी नेफ्थलीन डाइक्लोराइड को अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl यानी कि एक HCl के अणु का निष्कासन होता है और 1-chloro-naphthalene प्राप्त होता है। और अगर नेफ्थलीन टेट्राक्लोराइड को अगर गर्म किया जाए NH के साथ में तो दो हाइड्रोजन के अणुओं का निष्कासन होगा, एक का यहाँ से और एक का यहाँ से, और हमको 1,3-dichloro-naphthalene प्राप्त होता है। सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया, नेफ्थलीन सोडियम तत्व के साथ अभिक्रिया करके आयनिक पदार्थ बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाता है। इसमें सोडियम के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसको देके Na+ और Na3- का आयनिक पदार्थ बनता है। ये स्थायित्व को प्राप्त करता है इन सभी अनुनादी संरचनाओं के कारण। ओजोन के साथ भी योगात्मक अभिक्रिया देता है, इसमें नेफ्थलीन ओजोन के दो अणुओं के साथ में अभिक्रिया करके डाई ओजोनाइड बनाता है। इस डाई ओजोनाइड को जिंक के साथ गर्म करने पर इसका जिंक के साथ इसका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करने पर ये थैलल्डिहाइड देता है। ये तो थी नेफ्थलीन की योगात्मक अभिक्रियाएं। अब हम इसकी ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।